पार्टी से जुड़ी हुई आज की दो बड़ी खबरों की। केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, पार्टी को 18 करोड़ रुपए वापस करने होंगे। केजरीवाल पर सरकारी पैसे से दिल्ली के बाहर पार्टी के प्रचार का आरोप लगा है। वहीं दूसरी खबर मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई, एलजी ने सिसोदिया को फिनलैंड से वापस लौटने का आदेश दिया है। तो इन दोनों खबरों पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी संवाददाता अजीत श्रीवास्तव दिल्ली से। अजीत, आम आदमी पार्टी को अब किन किन मोर्चों पर जवाब देना पड़ेगा, हालांकि जवाब देने के लिए उनके पास उनके मंत्री तो दिल्ली में नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पर राजीव, जवाब देने के लिए कोई मंत्री नहीं है। अगर सीएम जब ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो मनीष सिसोदिया को पता होना चाहिए कि हाँ उनका समय 10 दिन का है, तो उस दौरान उनकी जिम्मेदारी बनती है और उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। लेकिन वो अपना प्रोग्राम शेड्यूल चेंज नहीं करते और फिनलैंड जाते हैं तमाम अधिकारियों के साथ। तमाम जैसे तस्वीरें भी कल रिलीज होती हैं जिस हिसाब से आइसक्रीम खाते हैं, घूमते हैं, लेकिन बाद में जब ट्वीट करके ये भी कहते हैं कि फिनलैंड में मैं जो एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए गया हूं वो भी आप दिखाइए, लेकिन तमाम प्रक्रिया है। लेकिन जिस हिसाब से दिल्ली में पूरी तरह से भयावह स्थिति है, एक तरफ जहां डेंगू का कहर था, वहीं इस समय जो पूरी तरह से चिकन दुनिया का कहर है वो काफी बरपाया हुआ है। लेकिन अजीत, क्या इस वक्त भी डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर जितनी समस्या दिल्ली में चल रही है उस पर भी आम आदमी पार्टी क्या इसी मुद्रा में है कि ये सब नजीब जंग की परेशानियां या मोदी की परेशानियां या इस तरह के जवाब सामने आ रहे हैं? बिल्कुल साफ तौर पर है, बार बार आरोप प्रत्यारोप ही लगाती है आम आदमी पार्टी। और सबसे बड़ी बात राजीव ये है कि जब कंडीशन कोई पैनिक हो जाती है तो उस पैनिक कंडीशन को आरोप प्रत्यारोप में बदलने का बखूबी इलाज है आम आदमी पार्टी के पास, हमेशा आरोप प्रत्यारोप करते हैं। यकीन है जीत, और शायद इसी से बचने की जरूरत है। अगर दिल्ली में चीजों को ठीक करना है और बनाए रखना है, बात करते हैं पीएम मोदी की।